और अब की बार किसका बिहार? इस सवाल का जवाब देने के लिए बिहार की जनता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। पहले चरण की वोटिंग बस कुछ देर में शुरू होने वाली है। आज से बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी। वोटिंग के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान होगा। कुल 1064 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। 8 मंत्रियों के भी किस्मत का फैसला होगा। इस चरण में हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष प्रमुख जीतन राम मांझी और राजद के उदय नारायण चौधरी के बीच कांटे की टक्कर है। इस दौर में जिन 8 मंत्रियों की किस्मत तय होगी उसमें बीजेपी के डॉक्टर प्रेम कुमार और जेडीयू के कृष्णानंद वर्मा मुख्य उम्मीदवार हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर सोमवार की शाम को ही थम गया था और अब 16 जिलों में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। पहले चरण में आरजेडी के 42, जेडीयू के 35, बीजेपी के 29 और कांग्रेस के 21 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के साथ साथ दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। चुनावी रण में आज कौन कौन दिग्गज हुंकार भरेंगे, देखिए 60 सेकंड। बिहार चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर हुंकार भरते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली करेंगे। पीएम मोदी की आज पहली रैली दरभंगा में सुबह 11 बजे होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पश्चिमी चंपारण और दरभंगा में हुंकार भरते नजर आएंगे। राहुल सुबह 11:45 पर पश्चिम चंपारण और दोपहर 2:15 पर दरभंगा में रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 3 रैलियां करेंगे। योगी आदित्यनाथ की पहली रैली बिहार के सीवान में सुबह 11:30 होगी। योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे लखनऊ से पटना के लिए उड़ान भरेंगे। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी। यानी जब तक कोरोना की दवा हमारे पास नहीं आ जाती है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जोरों पर है। इस बीच मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान कथित तौर पर पुलिस की फायरिंग में एक शख्स की मौत को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। बिहार के मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी के दौरान एक शख्स की मौत पर हंगामा तेज है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके लिए एक जांच की कमेटी बने और जांच की कमेटी में जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो। पूरा मामला शहर के दीनदयाल चौक के पास सोमवार देर रात को बताया जा रहा है, जब प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प हो गई। इसमें गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि असामाजिक तत्वों की ओर से पथराव और फायरिंग की गई जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसके बाद पुलिस ने हालात को संभालने के लिए कार्रवाई की। हरियाणा के बल्लभगढ़ में छात्रा निकिता की हत्या के दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी तौसीफ ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। क्या है अपडेट, देखिए 60 सेकंड में। हरियाणा के बल्लभगढ़ में छात्रा निकिता तोमर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। छात्रा की कल उसके कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के दोनों आरोपियों तौसीफ और रेहान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी तौसीफ ने पुलिस के सामने गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने निकिता को इसलिए मारा क्योंकि वो किसी और से शादी करने वाली थी। सूत्रों का कहना है कि पुलिस निकिता और तौसीफ की कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है। घटना के विरोध में निकिता के परिवार ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया। परिवार ने आरोप लगाया कि लव जिहाद के लिए निकिता की हत्या हुई। 2018 में भी वो उस पर प्रेशर बनाता था कि धर्म परिवर्तन कर ले, शादी का प्रेशर बनाता था जब उसे ले गया था किडनैप करके। और अब भी सर वो गाड़ी से निकलते ही उससे बोल धर्म परिवर्तन के लिए उसने फोर्स किया उसको, जब वो नहीं मानी तो उसने उसे गोली मार दी। वहीं निकिता के पिता का कहना है कि आरोपी रसूखदार थे इसलिए वो चुप रहने को मजबूर थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। फरीदाबाद पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। बड़ी बात यह है कि पीड़ित परिवार कह रहा है कि आरोपियों के परिवार वाले काफी रसूख वाले थे।
निकिता के पिता और मामा ने जी न्यूज से क्या कहा यह आपको सुनवाएंगे। कहा है कि आरोपियों के रसूखदार होने की वजह से वो डर में थे और इसीलिए वो मामले में अब तक खामोश रहे। परिवार वालों ने डर की वजह से पलायन की बात भी कही। हरियाणा के वल्लभगढ़ में निकिता तोमर की हत्या पर सियासत तेज है। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रही है, लेकिन निकिता के घर वालों के बयान से कांग्रेस ही कटघरे में खड़ी है। निकिता के पिता और मामा दोनों आरोपियों के रसूखदार होने का डर जाहिर कर रहे हैं और आरोपियों के परिवार का सोनिया गांधी और राहुल गांधी से रिश्ता होने का दावा कर रहे हैं। राजनीतिक परिवार है, वो आपका MLA का वो सगा भतीजा है और ये ऊपर तक इनके रसूखे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सीधे इनके संपर्क हैं। दूसरी ओर कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए महिला सुरक्षा के बदहाल होने का आरोप लगा रही है। मतलब सरकार और पुलिस प्रशासन का कोई डर किसी भी आरोपी के अंदर नहीं है, ये बात तय है। महिला सुरक्षा पे ये सरकार बिल्कुल विफल है। इधर BJP ने भरोसा जताया है कि परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। और भी लोग जो इन्वॉल्व होंगे उनकी धरपकड़ की जाएगी और सर परिवार को न्याय मिलेगा और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उसको दंडित किया जाएगा सरकार द्वारा, ये पक्की बात है। राजधानी दिल्ली में बेखौफ अपराध की तस्वीर देखिए 60 सेकंड में। दिन के उजाले में एक शख्स की जान ले ली गई, हाथों में बंदूक है तो किसी ने भी रोकने टोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके की है। वारदात 22 अक्टूबर की है। आप खुद देखिए, यह शख्स गली में खड़ा है तभी दूसरी गली से भागता हुआ एक और शख्स आता है, उसके पीछे बंदूक ताने एक बदमाश भी है। जैसे ही यह बदमाश इस शख्स के करीब पहुंचता है गोली चला देता है और आसपास खड़े लोग भाग खड़े होते हैं। आरोपी का नाम पवन है और मृतक का नाम विकास मेहता। बताया जा रहा है कि बदले की भावना से विकास मेहता की हत्या की गई, लेकिन ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली में बेखौफ अपराध की कहानी बता रही हैं। आप खुद देखिए, बदमाश ने पहले विकास को गोली मारी फिर भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दोबारा नज़दीक आकर एक और गोली मारी, मोबाइल में तस्वीरें खींची और तब जाकर फरार हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया। पहले लालच देकर धर्म बदलवाया, फिर परिवार को बंधक बना लिया गया, क्या है ये दिल दहला देने वाली खबर देखिए 60 सेकंड। राजस्थान के अलवर में SC/ST कोर्ट में जबरन धर्म परिवर्तन और उसके बाद जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने संबंधित थाने को पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करने और मामले की जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है। दरअसल अरवल के भियाड़ी गांव के पीड़ित ने आरोप लगाया कि पहले उसे जमीन का लालच देकर धर्म बदलवाया गया। वारदात 2018 की है, जब पीड़ित ने अपनी पत्नी, दो बेटियों और बेटे के साथ धर्म बदल लिया। इसके बदले उसे एक प्लॉट भी दिया गया था, लेकिन बाद में उसके परिवार को बंधक बनाकर पत्नी से जबरदस्ती की कोशिश की गई। बच्चों को धमकी दी कि तुम अगर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तुम्हारे बच्चों को हम मार देंगे, और हमारा धर्म परिवर्तन करवाया। पीड़ित का कहना है कि इसको लेकर उसने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई और SP से भी गुहार लगाई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने SC/ST कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिन लोगों ने भी इनके साथ अत्याचार किया, अपराध किया, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और न्याय मिले। मामले में इब्राहिम, सत्तार तैयब, शहजाद रत्ती खां, महबूब हुसैन समेत 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश त्यागी के खिलाफ राष्ट्रपति ने उच्च स्तरीय जांच की अनुमति दे दी है। ये पूरी खबर 60 सेकंड। DU के वाइस चांसलर के खिलाफ प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़े मामले सामने आने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पिछले दिनों सख्त रुख दिखाते हुए उनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कराने का फैसला लिया था। साथ ही इसे लेकर राष्ट्रपति से अनुमति भी मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति के ऑफिस से इसके लिए मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद मंत्रालय ने कमेटी का गठन कर काम भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जांच का ये फैसला उस वक्त लिया था जब विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश त्यागी ने मेडिकल अवकाश के दौरान ही विश्वविद्यालय में एक नए प्रो VC और रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर दी। कुलपति पर मेडिकल लीव के दौरान गलत तरीके से प्रो VC के अलावा रजिस्ट्रार को नियुक्त करने का आरोप है। मंत्रालय ने विवाद में शामिल और रजिस्ट्रार बनाए गए PC झा के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक PC झा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एक बार फिर दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश मुश्किलों में घिर गई हैं। पूरी खबर 60 सेकंड में। NCB ने आज दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया है।
एनसीबी ने कल उन्हें समन भी भेजा लेकिन करिश्मा प्रकाश नहीं मिली। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया केस में कई पेडलर्स की जांच में करिश्मा का नाम सामने आया था जिसके बाद उसके घर पर रेड की गई। एनसीबी की छापेमारी में करिश्मा के घर से 1.8 ग्राम चरस बरामद हुई है जिसके बाद उन्हें समन भेजा गया लेकिन वो अनट्रेसेबल है। बड़ी बात यह है कि करिश्मा प्रकाश से एनसीबी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। उन्हें दीपिका पादुकोण के साथ बिठाकर भी सवाल जवाब किए गए थे लेकिन अब करिश्मा प्रकाश के घर से मिला ड्रग्स उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। और बेशक फिलहाल उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा लेकिन एनसीबी के पास उनके लिए ढेरों सवाल हैं जिनका जवाब ना देने पर उनकी मुश्किल बढ़नी तय है। और अब जम्मू कश्मीर में कोई भी बना सकेगा अपने सपनों का घर, देखिए 60 सेकंड। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में बड़ा संशोधन किया है। इसके मुताबिक अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अपने घर या कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। हालांकि खेती के लिए जमीन खरीदने पर रोक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी कर दी है। कृषि भूमि जो है वो किसानों के लिए आरक्षित रखी गई है, कोई इसमें बाहरी नहीं आने वाला। जो इंडस्ट्रियल एरिया हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जरूर हम चाहते हैं यहाँ भी देश के अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी अच्छी इंडस्ट्रियां हैं। हालांकि इस नए आदेश पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है जम्मू कश्मीर बिक्री के लिए तैयार है। दरअसल 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य की अपनी एक अलग संवैधानिक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक जिनके पास राज्य का स्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र होने पर ही जमीन खरीदी जा सकती थी। देश के किसी अन्य भाग का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अपने मकान, दुकान, कारोबार या खेती बाड़ी के लिए जमीन नहीं खरीद सकता था। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग में क्या हुआ, कौन से बड़े समझौते हुए, देखिए 60 सेकंड में। भारत और अमेरिका के बीच दिल्ली में हुई 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत में 5 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। बैठक के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में रक्षा सहयोग बढ़ाने, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन जारी रखने और आपसी सहयोग के संकल्प को दोहराया गया। We have identified priority near-term projects for joint development between respective agencies which need to be fast-tracked under the defense ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। वही अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गलवान की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका भारत की ओर से अपनी अखंडता के लिए किए जा रहे कदमों में उसके साथ खड़ा है। पोम्पियो और मार्क एस्पर ने नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।